प्रणाम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप एंड स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस चैनल प्रदीप कुमार पाइक ऑफिशियल पर। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में मैं म्यूजिक रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूं। हाँ दोस्तों, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, स्पेशली फ्लूट बंसी वादन सीखना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण और अपने नज़दीकी एरिया में बंसी वादन सिखाने वाले गुरु के कमी के कारण अपने म्यूजिक शिक्षा करने की इच्छा अपने बंसी वादन शिक्षा करने की इच्छा अधूरा रह जाती है। इसी समस्या को समाधान करते हुए घर बैठे कैसे बंसी वादन शिक्षा किया जाए, कैसे म्यूजिक शिक्षा किया जाए, इसका सीरीज स्टार्ट किया हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, बंसी वादन शिक्षा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जिन दोस्तों ने पहले से लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक है बंसी में राग भोपाली सरगम गीत ट्यूटोरियल, राग भोपाली सरगम गीत ट्यूटोरियल ऑन फ्लूट। हाँ दोस्तों, इस ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। इसी चैनल में बिगनर लेवल के फ्लूट लेसन, बंसी कैसे बजाते हैं, बंसी में सारे गामा पाधानिसा स्वर कैसे निकालते हैं, बंसी में अलंकार की अभ्यास, ये सब ट्यूटोरियल वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको चाहिए तो वीडियो जाके देख लीजिए। और आज की टॉपिक है राग भोपाली ट्यूटोरियल ऑन फ्लूट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं फ्लूट ले आया हूँ सी शार्प के, और स्केल है सी शार्प। हाँ दोस्तों, अभी जो धुन में बजाया ये राग भोपाली की सरगम गीत है। राग भोपाली इस राग को कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है। इस राग में, राग भोपाली में, पांच स्वर आरोह में, पांच स्वर और अवरोह में पांच स्वर बस लगते हैं। आरोह में जो स्वर है सा रे गा प ध स, और अवरोह में बी सा ध प ग रे सा। आरोह में पांच सुर और अवरोह में पांच सुर बजते हैं, इसलिए इस राग की जाति है ओड़व ओड़व। इस राग की गायन के समय है रात्र का प्रथम प्रहर। रात्र की प्रथम प्रहर में इस राग को गाया या बजाया जाता है। इसका बादी स्वर गांधार है और संवादी स्वर धैवत है। तो देखते हैं आरोह और अवरोह। आरोह है सा
रे गा प ध स और अवरोह भी सा ध प गा रे स। इसका नोटेशन है सा रे गा प द सा सा ध प ग रे द ध सा। इसका पकड़ है ग रे प गारे दरसा। इसको वंश में देखते हैं आरोह अवरोह एवं पकड़। अब चलते हैं इसकी सरगम गीत की नोटेशन पर। इसका स्थाई है सा सा धा पा गा रे सा रे गा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा रे गा रे गा पा दा। इसका स्थाई है गा रे गा पा दा सा सा धा पा दा गा पा दा पा गा रे सा सा धा पा गा रे सा रे गा रे गा पा दा सा सा धा पा गा रे सा रे गा रे गा पा दा। स्थाई और अस्थाई मिला के बजाते हैं। अब चलते हैं इसकी अंतरा पर। गा पा धा सा पा धा गा पा धा सा पा धा सा सा रे गा रे धा धा सा गा पा धा सा पा धा सा सा रे गा रे धा धा सा। अंतरा की पहली लाइन है, अंतरा की दूसरी लाइन है दूसरी लाइन है गारे सारे सा सा धा पा सा सा धा पा धा पा गा गा पा धा पा गारे सा। अंतरा की पहली और दूसरी लाइन को मिला के बजाते हैं।
दोस्तों ये रहा राग भोपाली की सरगम गीत की ट्यूटोरियल ऑन फ्लूट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, जो अब ताल बज रहा था ये त्रिताल में बज रहा था। इस त्रिताल में स्थाई के आरंभ होता है नौवीं मात्रा से। दोस्तों ये था राग भोपाली की एक सरगम गीत। आप इस धुन को अपने फ्लूट में बजा के इस धुन की सरगम को अपने उंगली में काबू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा इस भोपाली ट्यूटोरियल के दूसरा एक्सरसाइज, भोपाली की तान, राग भोपाली में कैसे तान बजता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक आप राग भोपाली की सरगम गीत प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।